नमस्कार, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम के बारे में। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें केमिकल फ्री आम आसानी से मिल जाता है, वो पेड़ से तोड़ते हैं और उन्हें घरों में ही पका के खा लेते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में होते हैं उनके लिए केमिकल फ्री आम मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा है। उसका कारण ये है कि आम के जो व्यापारी होते हैं वो जब आम के बगीचे से जब आम तोड़ के लाते हैं ट्रकों में भर के, तो उस समय वो सिर्फ कच्चा आम लेके आते हैं। अगर उसमें कोई भी पका हुआ आम आ जाएगा तो पूरे कच्चे आम को ख़राब कर देगा। तो वो लोग बिल्कुल जो थोड़ा भी पका हुआ आम है उसको वो बाहर कर देते हैं, केवल कच्चा आम लेके आएंगे और उसके बाद यहाँ के बाज़ारों से जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो उनसे खरीद करके उनको केमिकल से पका करके आपके तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आप जो आम खा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल हो जाता है। तो अगर आप शहरों में केमिकल फ्री आम खाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे खा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आपको मंडियों में अपने आसपास के जाना होगा और वहाँ से कच्चा आम खरीद करके लाना है और उसे आपको पेपर में रैप करके, एक एक आम को पेपर में लपेट के किसी टोकरी में रख दें और उसे किसी बोरे से या किसी चादर से ढक के रख दें। वो एक हफ्ते में डेढ़ हफ्ते में पकना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये जो आम है ये बिना केमिकल का आपने पकाया है और ये बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आपने पेड़ से तोड़ के खा रहे हैं, वैसा स्वाद होता है। इसमें बिल्कुल इसके पकने में केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करना है, तब उसे देखिएगा। और जब आप इस तरह से आम पकाते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आम जैसे मार्केट में आना शुरू होता है वैसे ही आप ये काम ना करें। जब कुछ बारिश हो जाए, 2-4-6 बारिश जब हो जाए उसके बाद ही आप जाके कच्चा आम मार्केट से उठाएं, क्योंकि शुरू शुरू में जो आम आता है वो अगर आप इस तरह से पकाने की कोशिश करेंगे तो वो उतने अच्छी तरीके से नहीं पक पाएगा। लेकिन अगर अब एक टाइम निकल जाने के बाद जब आप ये काम करेंगे, जब पेड़ पे भी आम पकने शुरू हो जाते हैं, तब आपको ये कच्चा आम खरीदना है, तब आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पका के खा पाएंगे। जो भदिया आम होता है, भदिया आम वो होता है जो भादों के मौसम में निकलता है। बोलचाल की भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो जुलाई महीने में जो आप आम मिलता है आपको वो बहुत अच्छी तरीके से पकता है और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो जुलाई अगस्त में मिलने वाला आम काफ़ी अच्छा होता है। तो मेन आप जून के महीने में, जो शुरुआती जून में जो आपको आम मिल रहा है, या 15 जून या 20 जून तक जो आम मिल रहा है, कोशिश करें 20 जून के बाद ही आप आम मार्केट से कच्चा खरीद के उसे पेपर में एक एक आम रैप करके और फिर टोकरी में रखें। तो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम मैंने कैसे किया है। तो ये रही मेरी टोकरी और ये रहे मेरे आम। अब मैं एक एक आम को उठा के उसे पेपर में लपेट लपेट के, देखिए कैसे, पेपर का एक टुकड़ा लिया, उसमें उसको अच्छे से रैप किया और उसको टोकरी में रख दिया। तो ऐसे ही मैं सारे के सारे आम को यही पेपर में रैप करके अच्छे से रख दूंगा। आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, ये लो पेपर। हाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। पापा, हाँ ये किसका पापा है? अरे हुआ किसी का पापा, ये लो इसको। पहले आम को ऐसे लो और ऐसे लपेट के, ठीक है, ऐसे करके इसमें रख दो। ठीक है पापा। तो, अरे ठीक तो है लेकिन करो तो। अरे पापा तो आम दो। आम उठा लो ना। ऐसे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ बापू, अरे छोड़ तो दो, सुनना ही नहीं तो। पापा, ये को नहीं दिख रहा, ये को नहीं दिख रहा, ऐसे ही हो
ऐसे ही रख दो, बस दबाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस ऊपर रख दो ऐसे, हाँ दबाना नहीं है। तो अब मेरा आम, मैंने एक एक आम पेपर में लपेट के रख दिया है। अब ये इसको मैं, आप चादर से या फिर बोरे से किसी भी चीज़ से आप इसे ढक दें और इसे 4 से 5 दिन के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। तो 3-4 दिन के बाद आप इसे, स्मेल आने लगेगी आम की आपको, तो आप समझ जाएंगे। फिर आप चेक करें, जो जो आम पक जाए उन्हें निकालते जाएँ 4-5 दिनों के बाद, और जो जो कच्चे हैं उनको वैसे ही रहने दें, और आप एक एक आम खाना शुरू कर सकते हैं। तो एक हफ्ते के बाद अब हमारा आम पूरी तरह से पक चुका है, आप इसे देख सकते हैं, और ये बिना केमिकल के पकाया गया आम है। अब मैं आपको काट के दिखाता हूं इसे। ये देखिए, बिना केमिकल के आप पेपर में लपेट के कितने बढ़िया तरीके से आम को पका के खा सकते हैं। तो अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।